नहीं, पहले हेडिंग क्या है पहला बताओ, ये क्या है? रासायनिक गुणधर्म। किसका किसका रासायनिक गुणधर्म? CH3COH का। इसमें पहला क्या है जी? ये नहीं चल रहा है, दूसरा है कोई लग रहा है। क्षारकों के साथ, हाँ, ठीक है ना। क्षारकों का मतलब क्षार, जब इसमें जब हम क्षार मिलाएंगे तो फिर क्या होगा? ठीक है, बैठ के भैया, इसमें जब क्षार मिलाएंगे तो क्या होगा? किसमें? CH3COOH में। क्षार बोले तो NaOH KOH CaOH का होल ट्वाइज, कोई भी क्षार जिसमें OH होता हो। तो मान लीजिए NaOH है कि नहीं? Yes, है ना। इसमें जब इसको मिलाएंगे तो क्या होगा? आप देखिए, जो इसमें OH है ना और जिसमें ये OH है ना, ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, है ना। तो जब ये दोनों आपस में ज्वाइंट होंगे तो निश्चित है कि ये जल बनेगा, है कि नहीं। अब जो बच गया एनए और यहाँ जो बच गया CH3COO, तो एनए और CH3COO आपस में मिल करके CH3 बचा है यहाँ, और फिर COO बचा है, और उसके बाद एनए बचा है, तो यहाँ एनए लिख देंगे। समझ में आ गया कि नहीं? किसी कोई परेशानी? बोलो। तो ये क्या है? सोडियम एसीटेट। देखो इसका मतलब सोडियम, तो ये सब सोडियम हो गया। एसीटेट, इसका मतलब एसीटेट। बोलो इसका नाम क्या है? तो क्या सीखे? ये सीखे कि जब हम क्षारक मिलाते हैं इसमें, यानी कि एसिटिक अम्ल में जब हम क्षार मिलाएंगे, तो जो क्षार, जैसे सोडियम का है तो सोडियम एसीटेट, पोटेशियम का है तो पोटेशियम एसीटेट, कैल्शियम का है तो कैल्शियम एसीटेट। कुछ समझ में आ रहा मेरी बात? जो यहाँ पर रहेगा जिस तरह का क्षार, मान लिया KOH है तो पोटेशियम एसीटेट, यहाँ K आ जाएगा। अगर यहाँ KOH है तो यहाँ K आ जाएगा, तो K का मतलब पोटेशियम हो जाएगा। बोलो, उस तरह से COOH का होल ट्वाइज है, तो फिर क्या होगा? कैल्शियम आ जाएगा, तो यहाँ पर CA आ जाएगा, तो CA का मतलब कैल्शियम, तो कैल्शियम एसीटेट हो जाएगा। तो इस तरह से क्रिया करता है, आप चाहे दो बनाना चाहे चार। अगला देख लो, दूसरा क्या दिया है? नहीं है, एस्टरीकरण। ये देखो इम्पोर्टेंट कितना ज़्यादा है, वो सुन लो, ये इम्पोर्टेंट इस तरह है। अच्छा बताओ, एस्टरीकरण का मतलब क्या है? एस्टर तुम्हें लाना है, एस्टर बनाना होगा। एस्टर का मतलब, जब IPSC आप पढ़े होंगे तो एस्टर का मतलब सीखे होंगे, तो एस्टर आपको लाना है। एस्टर क्या करना है? लाना है। तो चलिए, एस्टर लाने के लिए आपको क्या करना है हम आपको बता देते हैं। एक चीज़ अलग से ज़रा सोचिए, समझिए कि जैसे अगर अम्ल हो, जैसे HCl अम्ल है ना, ये क्या करेंगे? हाँ हो गया, वो मुँह पर वाला नहीं है वो मुँह वाला है। अब HCl क्या करेंगे? इसी में देखो, ये अम्ल है ना, इसी में अगर हम क्षार मिलाएंगे तो इसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण क्या होता है? जब अम्ल में क्षार मिलाते हैं जी, तो नमक और जल बनता है। जैसे ये देखो, Na और Cl मिलके क्या बन गया? NaCl बना ना, और ये OH और H मिलके जल बन गया H2O। तो क्या सीखे? उदासीनीकरण में क्या रूल है? जब अम्ल और क्षार मिलाते हैं तो नमक और जल बनता है। उसी तरह से एस्टरीकरण में क्या होता है? सेम इसी तरह से जल इसमें भी बनेगा। किसमें? एस्टरीकरण में।
एस्टीकरण में जल बनेगा, लेकिन जब हम इसमें एल्कोहल मिलाएंगे, ये अम्ल है कि नहीं बताओ पहले। तो अम्ल में जब छार मिलाते हो तो नमक जल बनता है, और जब अम्ल में एल्कोहल मिलाओगे, एल्कोहल, तो एस्टर बनता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण, कौन क्रिया? अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार मिलाने की क्रिया उदासीनीकरण, और अम्ल और एल्कोहल मिलाने की क्रिया एस्टीकरण। नहीं समझ में आया? बोलो। अम्ल और क्षार मिलाने की क्रिया को उदासीनीकरण, इसमें नमक जल बनेगा, बोलो। और इसमें क्या है? ये भी अम्ल है ना, ये अम्ल है, तो इस अम्ल में हम एल्कोहल मिलाएंगे, तो इस क्रिया को एस्टरीकरण क्रिया कहते हैं। देखो, एस्टरीकरण का मतलब होता है, एस्टरीकरण का मतलब होता है जब अम्ल में एल्कोहल मिलाएंगे, बस सीधी बात, अम्ल में एल्कोहल। और उदासीनीकरण का मतलब है अम्ल में क्षार, अम्ल क्षार, अम्ल एल्कोहल, अम्ल एल्कोहल एस्टरीकरण, अम्ल और क्षार उदासीनीकरण। नहीं, अम्ल और एल्कोहल एस्टरीकरण है ना, और अम्ल और क्षार, और दोनों में जल बनता है, एक में नमक जल बनेगा है ना, और एक में कोई, अगर जैसे अगर इसको हम ले रहे हैं तो इसके हिसाब से बनेगा नमक भी। NaCl ही थोड़ी सिर्फ होता है, कई तरह के नमक होते हैं, द्विक लवण होते हैं, संकर लवण होते हैं, बोलो, फिटकरी भी एक प्रकार का लवण है, तो NaCl भी एक लवण है। तो उसी तरह से जो अम्ल होते हैं, अम्ल भी एक तरह के नहीं होते हैं, अम्ल केवल H2SO4 या Cl या ये CH3COOH या ही नहीं होता, बहुत तरह के जिसमें यह चायन आ जाते हैं वो अम्ल हो जाता है। सही बात है। एस्टरीकरण में क्या होगा, इसको उतार लो भाई, किसको? गर्मी हो रहा है, CH3COOH, अब इसी में क्या मिला देंगे? हाँ, एल्कोहल, एल्कोहल मिला देंगे। क्या मिलाओगे? C2H5OH को मिला दो। अब सीधी बात समझ लो, जब हम अम्ल में एल्कोहल मिलाते हैं तो जल बनता है, श्योर? चलो भाई, जल निकाल दो, यहाँ जल बनता, जल निकल गया। अब जल कहाँ से निकलागा? देखो, एक ओ एच यहाँ से, समझोगे तो नहीं, और एक एच यहाँ से, तो ओ एच और एच मिला करके क्या बना लिया? अब देखो क्या बना, CH3COOH और C2H5 बच गया है ना, तो लाइन से लिख दो, CH3COOH और C2H5। अब इसका नाम देना होता है जी, तो ये तो एथिल है, इसका नाम एथिल ही होता है ना, तो इसका नाम पहले देंगे, तो ये हो गया आपका एथिल, और ये एसीटेट है ही है, अरे तो एसीटेट है, तो एथिल एसीटेट हो जाएगा। बोलो सर, इसको बताइए क्या नाम उसका है? अरे जल है, शुरुआत से पढ़ रहा हो, जल है, तो जो नहीं जाने, एसिल एसीटेट हो गया ना, ये क्या है? एसिटिक अम्ल है, इसको क्या बोलेंगे? एसिटिक अम्ल, अम्ल है, क्यों अम्ल है? या चाने के कारण। ये क्या है? एल्कोहल है, और कौन एल्कोहल है बेटा? अब उसमें ये नहीं कहा कि आप कौन, आप कि एथिल एल्कोहल ही मिलाइएगा, आप कुछ भी मिला सकते हैं, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। चलो भाई, हम एक बार मेथिल एल्कोहल मिला देते हैं। चलो, इसमें मेथिल एल्कोहल मतलब CH3OH मिला दो, है ना, तो बात वही खेल है, ये जल बनेगा ही, बोलो, जल बनेगा ही, और फिर क्या हुआ? CH3COOH, है ना, CH3COOH। अब हम आप तुम लोगों को मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, देखो, यही एस्टर कहा जाता है, इसी को एस्टर कहते हैं। क्या फार्मूला है? RC OOR-, ये एस्टर का सूत्र है। एस्टर किसे कहते हो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो,
इसके जगह एल्किल होना चाहिए और यहाँ भी एल्किल होना चाहिए और बीच में सी डबल ओ होना चाहिए, वो एस्टर ही होता है। अब सी टू एच फाइव रहे, यहाँ सी एच थ्री रहे, एल्किल मतलब क्या होता है बताए थे ना, सी एच थ्री, सी टू एच फाइव, सी थ्री एच सेवन, सी फोर एच नाइन, सी फाइव एच इलेवन, सी सिक्स एच थर्टीन, ये सब एल्किल है। और इसमें से कोई भी यहाँ रहे, इसमें से कोई भी यहाँ रहे और बीच में सी डबल ओ रहे, बीच में अगर सी डबल ओ है और इसमें से कोई इधर और उसी में से कोई इधर हो तो इसको हम एस्टर कहते हैं, समझ में आया। और एस्टर बनाने के वजह से इसका नाम एस्टरीकरण कहा गया। बोलो, साबुनीकरण का मतलब है साबुन बनाओ, सीधी बात है। बोलो, उदासीन का मतलब उदासीन कर दो, ना प्लस रह जाए ना माइनस रह जाए। बोलो, इसी तरह से एस्टरीकरण मतलब एस्टर प्राप्त करो, एस्टर प्राप्त करो। अब एस्टर कई तरह के होते हैं, ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है, फर्क है। यहाँ सी टू एच फाइव है, ये वाला है एथिल, और यहाँ पर सी एस थ्री है तो ये वाला है मेथिल। तो ये मेथिल है और ये एथिल है, तो ये बात है, उतार लो फटाफट, चलो ओके।